Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-day visit to United States to discuss the significance and outcomes of Prime Minister Modi's visit and several global challenges. Joining us live from the UN headquarters in New York is U.S. State Department spokesperson Margaret McLeod. And for a change on the Newsline Plus show today, we will be having a conversation in Hindi. Margaret, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ रही हैं. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बहुत ही सफल रही है. राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने घर में उनका स्वागत किया. भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिश्ते हैं, इसके तहत आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण थी और इसमें क्या प्रमुख मुद्दे रहे? अमेरिका और में के द्विपक्षीय बैठक में शायद सबसे अनोखी मुद्दे ये है कि हम उभरती हुई प्रौद्योगिकी के सहयोग के बारे में बहुत बात की. हमारी उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में और मजबूत से शुरू हो जाए. हाल में ही महामारी में इंडिया ने दुनिया को दिखाया के सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत के सामने इंडिया बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं. हमारी उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर्स में भी इंडिया यही अवसर इस्तेमाल कर सके. हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो अमेरिका के दौरे पे थे और भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लाइजनिंग ऑफिसर के तहत जो है अग्रीमेंट साइन किए गए. आज के समय में रक्षा संबंधों में भारत और अमेरिका के बीच में आप कैसे रिश्ते देखते हैं? जाहिर है कि पिछले दो दशकों से अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो बेहतर से बेहतर होते रहते हैं और दिफाई क्षेत्र भी ये भी कहा जा सकता है. हमने अमरीकी के अनुभव के मुताबिक हम समझते हैं कि दूसरे देशों के सैन्य के साथ सहयोग करने के लिए बेहतर हो अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने का अनुभव हो, ताकि हम एक दूसरे के रब्जा रखने की तरीके कर हमारे काम करने की शैली बेहतर समझ सकते हैं. और हमने देखा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में भी कोस्ट गार्ड काम में भी सहयोग करने का प्रोग्राम भी है. क्वाड समूह की जो मुलाकात है उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आई जिसमें चीन और रूस का नाम तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली एक मैसेज जरूर था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि क्वाड समूह जो है वो किसी भी एक देश के या एक मुल्क के खिलाफ नहीं है. क्वाड क्या अपना जो नया एक इंटरनेशनल ऑर्डर उभरा है पिछले कुछ सालों में उसमें चीन से मुकाबला कर रहा है? जैसे प्रधान मोदी जी ने कहा क्वाड किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है लेकिन हम कुछ कार्रवाई के खिलाफ है. बुनियादी तौर पर क्वाड एक ऐसा ढांचा है जो हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र के पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं. हम चार बड़े बड़े देश, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है जो क्षमता है और हम आसियान सेंट्रलिटी को रिस्पेक्ट करके ये पैसिफिक आइलैंड फोरम्स और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के वो तंजीमें जो अभी भी है उनकी बात सुनकर, उनकी जरूरतें समझकर वैसे काम फराहम करना चाहते हैं जो हमारे पड़ोसियों के लिए उपयोगी होगी. So, अगर आप ने वही जॉइंट डिक्लेरेशन में सुना अलग अलग मुद्दे पर हमारे सहयोग जारी रख रहे हैं. एक तो साइबर सुरक्षा है और क्वाड हमारे पड़ोसियों के लिए प्रशिक्षण फराहम कर रहे हैं ताकि हमारे पड़ोसी साइबर हमलों से महफूज रख सकते हैं. फिर समुद्री सुरक्षा का थीम भी था जिसके तहत हमारे जॉइंट कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस का प्रोग्राम शुरू हुआ और सन 2022 से एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम भी था जिसके तहत हम क्वाड में सदस्य हमारे पड़ोसियों को और जानकारी फराहम कर रहे हैं ताकि वो उनकी समुद्री सीमा के अंदर जो जो होने वाली कार्रवाई बेहतर समझकर
और उनकी इक्तिसादी फायदा महफूज रख सकते हैं। फिर स्वास्थ्य का सुरक्षा की बात भी थी, जिनमें कैंसर मूनशॉट भी शामिल है। और ये चार क्वाड सदस्य हमारे इंडो पैसिफिक पड़ोसियों के लिए, खास करके सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए खास प्रोग्राम शुरू किया। अब मैं आता हूँ चुनाव के ऊपर, क्योंकि भारत में अभी ही चुनाव हुए हैं, अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल तो नहीं पूछूंगा क्योंकि आप एक डिप्लोमेट हैं, लेकिन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभी हुआ, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुन के आए, और अब अमेरिका में भी चुनाव होने जा रहा है नवंबर में। दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए आपको क्या लगता है, क्या संदेश जाता है? अमेरिका में हमारे चुनाव की तैयारी ठीक से चल रहे है। मैं खुद अपने एब्सेंटी बैलेट में मिल गए ताकि मैं एक मतदान के हैसियत से अपनी राय इजहार कर सकूंगी। और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र का एक किस्म का त्योहार है। मार्गरेट, भारत के जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि ये जो 10 साल में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो है बहुत सारे मुल्कों के लोग ये चुनाव देख रहे हैं बहुत ही करीबी से। हालांकि आतंकवाद अभी भी जम्मू में जारी है, अमेरिकी डिप्लोमेट हाल ही में जम्मू कश्मीर गए, इनफैक्ट जो सेकेंड फेज चल रहा है आज उसमें भी बहुत सारे डिप्लोमेट हैं, आपके डिप्टी चीफ ऑफ मिशन भी वहाँ पर गए हुए हैं। तो आपको ये जो चुनाव है ये कैसा दिखता है, क्या आपको लगता है ये एक नई उम्मीद पैदा करता है जम्मू कश्मीर में? देखिए, अमरीकी महकमे खारजा हमारे विदेश मंत्रालय का एक भूमिका यह है कि कोई भी देश में आने वाले चुनाव में कैसे अनफोल्ड हो रहा है वो समझना चाहते हैं। सो हम अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मिलकर बात करते हैं, हम गैर सरकारी तंजीमों के साथ बात करते हैं, क्योंकि हम हमारे पार्टनर के देशों बेहतर समझना चाहते हैं और हम वही सरकार के साथ काम करना चाहते हैं जो वही देशों के शहरी पसंद करके फैसला करते हैं। लेकिन मार्गरेट, क्या आपको इतना तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव एक अच्छा पैगाम देता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है, जैसे कि अमेरिका में या हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे चुनाव होते हैं? मैं उसका आउटकम के बारे में पेशिनगोई नहीं करूंगी, लेकिन जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में कहा, हम समझते हैं कि लोकतंत्र बेहतरीन तरीके का है जिसके तहत आम लोग की डिग्निटी रिस्पेक्ट हो जाए और उनकी हुकूक महफूज रख सके। बहरहाल, अब कुछ करते हैं श्रीलंका की ओर, क्योंकि श्रीलंका में भी चुनाव हुए हैं और एक नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनफैक्ट जो प्रधानमंत्री हैं एक महिला हैं और तीसरी श्रीलंका में महिला हैं जो एक टॉप लीडर उभर के आई हैं। आर्थिक संकट और अंदरूनी तनाव के बाद ये चुनाव एक ऐतिहासिक रहा है, क्या आपको लगता है कि नई सरकार श्रीलंका में स्थिरता ला पाएगी? तो हमने पसंद किया की गई राष्ट्रपति को हमारे कंग्रेचुलेशंस इजहार किया और हमारी उम्मीद ये है कि उनके साथ हमारे काम जारी रखेगा और हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मिसाल है कि श्रीलंका के लोगों लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और यही कार्रवाई को अपहोल्ड करने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं। अब चलते हैं एक और पड़ोसी मुल्क की ओर, वो है बांग्लादेश। आपने देखा बांग्लादेश में कैसे एक बहुत बड़ा जो है स्टूडेंट्स का आंदोलन दिखा, शेख हसीना सरकार को निकलना पड़ा और एक जो है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनिस की, उन्होंने कमान संभाली हुई है अभी। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव होने चाहिए, एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो है विश्वास लोगों को होता है वो वहां पर बहाल करना चाहिए? आपका सूरत हाल काफी पेचीदा है और मेरे ख्याल में कोई सख्त टाइमलाइन अब फैसला करना जरूरी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हम चाहते हैं कि मोहम्मद यूनस साहब
जल्द से जल्द बांग्लादेश लोकतंत्र की रास्ते, स्थिरता के रास्ते पर वापस ले जाए। जी मार्गरेट, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मोहम्मद यूनिस, उनके खिलाफ भी जो है बहुत सारे प्रदर्शन देखे गए हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी टिप्पणी उनके खिलाफ हुई है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनिस को बहुत लोग कहते हैं कि वो तो अमेरिका के वहाँ पर प्लांटेड हैं, वहाँ पर व्यक्ति जो इंटरिम सरकार चला रहे हैं। कुल आखिरकार भाषण से कार्रवाई कार्य ज्यादा अहम है। सो हम देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, लेकिन लोकतंत्र वापस जाने के रास्ते पर हम उस उनका समर्थन करना चाहते हैं। अब रुख करते हैं जो पिछले ढाई साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रशिया और यूक्रेन गए, पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि कोई भी समाधान जो युद्ध का है वो युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। उन्होंने शांति वार्ता का प्रस्ताव भी रखा। क्या अमेरिका और आप इसका स्वागत करती हैं? मैं समझती हूँ कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइडलाइंस पे प्रधानमंत्री मोदी जी बराह रास्त राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर सकते थे। हम समझते हैं कि हम एक अगर हम देर पा कोई सतत इंसाफ शांति मिले, जरूरी है कि हम संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल सोच समझ कर फैसला करेंगे, जिनमें से एक उसूल ये है कि हर एक देश उनके पड़ोसी के जमीनी सरहद रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सॉवरेंटी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रूस की जारियती जंग नज़रअंदाज करे तो हम अमरीकी हुकूमत समझते हैं कि ये पूरी दुनिया का एक किस्म का खतरा है। वैसे ही अब एक और युद्ध चल रहा है, एक साल होने को आया है जो इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ जब इसराइल पर बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला हमास ने किया और अब ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला इसराइल पर तेज़ी से हमला करता जा रहा है। लेकिन इसराइल ने भी बहुत ही बड़ा मोर्चा खोल रखा है, 500 से ज़्यादा लोग 24 घंटे के अंदर वहाँ पर मारे गए, पेजर ब्लास्ट भी हुए। क्या आपको लगता है कि शांति बहाल करने में अभी समय लगेगा और क्या हॉस्टेज डील जिसको अमेरिका और कुछ और मुल्क भी मीडिएट कर रहे थे अब संभव हो पाएगा? देखिए, वो खबरें जो मशरक़ी वुस्ता और ख़ास करके दक्षिण लुबनान से आ रही है वो बड़ी फिक्रमंद है और हम इलाके क्षेत्र के तमाम फ्रिकीन को कह रहे हैं कि ये सिफारतकारी से हल करना चाहिए, तशद्दुद नहीं फैलाना चाहिए। हम समझते हैं कि इजरायली लोगों जो उत्तरी खित में रहते हैं उनके घर वापस आने के लिए बेहतरीन तरीके का सिफारती है जो जिसके तहत देर पर शांति मिल सके। लेकिन ये भी सच है कि 7 अक्टूबर पे हमास दहशतगर्दी ग्रुप इसराइल पर हमला किया और दूसरे दिन हिजबुल्ला इसराइल की शुमाली उत्तरी जगह पर हमला शुरू किया और ये भी एक संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल है कि हर एक देश अपनी दिफा करने का हक है, जिनमें इसराइल भी शामिल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका, क्योंकि ईरान में अब नए राष्ट्रपति भी आए हैं जिनको मॉडरेट कहा जाता है, कि अमेरिका अब ईरान पर दबाव बनाता रहेगा कि किसी भी तरीके की अस्थिरता ना हो और युद्ध जो एक डायरेक्ट वॉर की घोषणा बहुत लोग करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान अब इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, इसकी संभावना टल जाए? Well, हम बार बार कह रहे हैं कि तमाम क्षेत्र के तंजीमों या इदारों को के तशद्दुद ना फैलाया जाए। हम चाहते हैं कि बात करके ये संघर्ष खत्म हो जाए। पिछले हफ्ते हमारे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र से वापस आए और ये उनकी 11वीं दौरा था मशरक़ी गुस्त तक, क्योंकि हम समझते हैं कि बेहतर हो अगर हम एस्केलेशन अवॉइड करें। मार्गरेट, आप हमको संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं,
तो ये तो लाजमी है कि मैं यूएन के ऊपर एक सवाल भी आपसे पूछूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फ्यूचर समिट में वहाँ पर यूएन रिफॉर्म्स की बात की। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो विश्व के नेता हैं वहाँ पर आए, ज़ेलेंस्की हो, मोहम्मद अब्बास हो या बाकी लोग हों, तो आपको क्या लगता है कि जो यूएन रिफॉर्म्स हैं इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि यूएन रिफॉर्म्स बहुत नेसेसरी हैं आजकल के युग में। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा देश या कोई ऐसा समूह है जो यूएन रिफॉर्म्स में अड़चन ला रहा है? दूसरी देशों की राय के लिए मैं उनकी रोजू देना है। अमरीकी हैसियत से बात करूं तो हमारे हमारे राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने खुद कहा कि हम सुरक्षा काउंसिल की इस्लाहात के बारे में टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस शुरू करने के लिए तैयार है। और जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका इंडिया के लिए एक सुरक्षा काउंसिल का परमानेंट सीट पहले से ही समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये बात इस साल आगे बढ़ जाएगा। मार्गरेट मैक्लॉयड, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।